वेर हमारे आ रहे भैया, अपनी क्या रहा है? अपने बाइक लेकर जा रहे हैं भाई। पता नहीं क्या नुबड़े को लंडन लोंडो को बोला था कि एक साथ चलना सारे भाई, कुछ भी हो सकता है। लंबी राइड पे जा रहे हैं, इतनी लंबी ट्रिप है तो सारे एक साथ चलो, ठीक है। लेकिन ये सुनते नहीं है यार, कहे मेरे बाइक का टायर पंचर हो गया, इनको ब्लॉग बनाने की पड़ी है। देख रहे हो देख रहे हो कील कहाँ पे लगा इनको भाई, टायर ब्लॉग नहीं बनाना है, कैसी बातें कर रहे हो? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। भाई पीछे देख रहे हो अपनी हार्ट बीट और यह फुल लोड, और आज हम पता कहाँ जाने वाले हैं, जिस मतलब जहाँ जाने के लिए इतने टाइम से इंतज़ार हो रहा था। आज हम जा रहे हैं भाई गुरेज वैली, हम जा रहे हैं आर्य भैया जा रहे हैं, एक यश भक्त है, एक सुलेमान भाई है, तो हम टोटल मतलब पाँच बंदे हैं। रंजीत भाई बाइक को कर रहे हैं लोड, तो पाँच बंदे जाने वाले भाई, बन रहे व्लॉग में। बाकी मैं जल्दी से मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर आता हूँ और फिर मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं भाई घर से, ऊपर वाले का नाम लेके आज की राइड स्टार्ट करते हैं। कोई मुसीबत ना हो रास्ते में, बस सुख शांति से पहुंच जाए। और भाई ऊपर अभी सुलेमान भाई कर रहे हैं वेट RS 200 लेके, तो आर्य भैया और जश जो हैं वो MT 50 लेके उधर कर रहे हैं वेट, MT 15 चरण नाश्री टनल के पास, तो उधर रुकेंगे। तो आज का जो सफ़र होने वाला है हमारा है, वही 380 किलोमीटर कवर करना है हमने। अभी सुबह के टाइम बज रहे हैं 6, तो रात तक हमें मतलब गुरेज तक पहुंचना है, गुरेज या खांडियाल टॉप। अभी इतना पता नहीं है, खांडियाल टॉप पहले आता है गुरेज पहले आता है, तो इतना सा कवर करना है। बाकी अभी चलते हैं फुल पावर, मिलता हूँ सीधा सुलेमान भाई के पास पहुंच के। सो भाई फाइनली आ गया सुलेमान भाई, भाई क्या चक्कर है, एक्साइटेड हो जाने के लिए? चलो चलो टायर में आगे देख लेते हैं पुंडल जाके। एक लौंडा आ गया, बाकी दो बचे वो आएंगे चनैनी से भाई, और ये बोल रहे हैं कि पीछे वाले टायर में हवा कम है। वैसे मेरे को लग भी रही थी लीड पे, तो आगे जाकर कहीं पे दुकान मिलती है तो वो भरवा लेते हैं, क्योंकि भाई रास्ते में कोई परेशानी नहीं चाहिए यार। और एक तो लौंडा यार ये मतलब ऐसे बहुत बाइक संभाल के चलाता है, खड्डे में डालता नहीं बिल्कुल, इसके साथ ये सब है बस। वहाँ हम नहीं देखते, खड्डा आएगा जो भी आएगा जान दो। फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं चनैनी में, हमारे आ रहे भैया अपनी अपनी बाइक लेकर जा रहे हैं भाई, पता नहीं क्या नुबड़े को। और ये भाई यश भाई क्या हाल है, और नुबड़े हाथ हमला। तो कहते भी पूरे सामान के सेट करने, देख रहे हो बैग की कंडीशन देखो क्या हो गया, नीचे गिर गया इंडिकेटर पूरा टेढ़ा हो गया, ये देखो नीचे गिरण था ऐसे फंसा रहा, सेट नहीं गया फिर हम जान दो माज। तो सुलेमान भाई गया अभी आगे बाथरूम जाना था उनको भाई, तो उधर गए वो। बाकी भाई एक ये आ रही है MT 15, एक मेरी वाली हार्ट बीट और एक RS 200, वो आगे गए अभी। तो कैसे अभी टाइम हो रहा है 8:30 बज चुके हैं भाई, 6 बजे निकलने का प्लान था, 2 घंटे लेट हुआ पता इसके वजह, आर्य भैया की वजह से। ना इनकी रिले खत्म होती, ना इनका कुछ काम खत्म होता, हमारे शिंजी शिंजी डालते हाली। और बाकी अपनी हार्ट बीट देखो भाई फुल लोड हो गया, मस्त लग रही है, मज़ा आएगा। क्योंकि बाकी जितने बैग थे ना सारे मतलब अपनी हार्ट बीट लोड कर दिए हैं, बाकी किसी के पास एक बैग बचा है खाली जिसे पावर बैंक वगैरह डाल लिया है। तो अब चलते हैं फुल पावर यहाँ से भाई, बहुत एक्साइटेड है सारे। तो गाइस अभी चलते हैं यहाँ से मोटो व्लॉग की सेटअप पे सीधा, और भाई आगे जो नज़ारा होगा बहुत मस्त होगा, बहुत मजा आएगा व्लॉग में, व्लॉग में बन रहे एंड तक, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि भाई पहली बार जा रहे हैं गुरेज वैली, नाम सुना खाली, वीडियो वगैरह देखिए, फोटो वगैरह मस्त जगह ऐसे। तो अभी चलते हैं यहाँ से, फाइनली हम निकल चुके हैं भाई फुल पावर, अपने हार्ट बीट को फुल लोड करके पीछे पीछे आ रहे हैं आर्य भैया MT 50 लेके भाई, वो भी अपना व्लॉग बना रहे हैं यार। गुरेज वैली का जब मैंने वीडियो देखी भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं चनैनी नाश्री, जो टनल है भाई उसको क्रॉस करने वाले हैं। मैं तो ये चौथी पांचवी बार क्रॉस कर रहा हूं उसको भाई, मज़ा आता है गाइस राइड पे जाने का। एक साथ पहले पहले जाता था मैं, पर मतलब ऐसे बंदे मिलते रहते यार एक साथ चले, ये नूबड़े हैं जो साथ में चल रहे हैं, तो भाई होगा मज़ा आएगा बस। बाकी अभी हम करने वाले हैं भाई टनल में इंटर, ये टनल है 9 किलोमीटर ही, हाँ शायद इधर लिखा भी होगा। होगा इस टनल के अंदर गर्मी यार, इंडिकेटर ऑन करते हैं भाई, अपनी हॉट बीट की डायल बनाते हैं थोड़ी सी। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा रोड ख़राब, एक साइड ही हाईवे खुला है, तो एक साइड से मतलब जाना पड़ रहा है, तो ऊपर से गर्मी बड़ी ज़्यादा पड़ रही है, तो जल्दी से क्रॉस कर लेते हैं यार। क्या हुई, क्या हुआ है यार, पलक से पानी आ गया गाइस, मजाक मजाक के बिना देखो मतलब वो था, मैं बोल रहा हूं मेरे को दे देते यार, भाई सारे स्कूटे तोड़ते हैं यार। चलो चलो नुबड़े रुकना नहीं है, चलो चलो बराबर चलना सारे, पियाँ की स्पीड में आगे वाली बच गई है सारी। भाई तगड़ा सीन हो गया, ठीक है ऐसे सीन उतरते हैं रोड पे चलने से, पर नुबड़े को बोलता हूँ जल्दी चलो चलो चलो
वैसे जब मैं ले गया था तब भी मेरे को ये उल्टा सीन लगा, अब भी उल्टा लग रहा है, क्योंकि मतलब जिस साइड हम रहते हैं उस साइड नदी इस साइड बहती है, ठीक है, इधर आ रहे हैं इस साइड जा रहे हैं पीछे की तरफ, अभी ऊपर जा रहे हैं नदी ऊपर जा रही है यार, ये तगड़ा सीन होता है इधर मेरे साथ। गाइस इधर फंस चुके हैं फिर से ट्रैफिक में, भाई मैंने इनको बोला था कि दूसरी साइड से चलते हैं, लेकिन भाई इन्होंने मानी नहीं मेरी बात, अब चलेगा पता नहीं उबड़ूंगा, बीच में से मुश्किल ही निकलेगा इस, जहाँ तक निकलेगा भाई वहाँ तक निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर सीन हो जाएगा। इसके आगे जाना मुश्किल है, अभी हमने कर लिया बढ़िया ऑल क्रॉस, अभी हम आगे खाने के लिए रुकेंगे भाई कुछ, क्योंकि भूख लगी है यार, सुबह तो खाया था खाना लेकिन सुलेमान भाई ने नहीं खाया भाई सुबह, तो कहीं ना कहीं रुक के खाना खा लेते हैं उसके बाद चलते हैं फिर आगे। अभी टाइम हो रहा है गाइस 10:20 हो रहे हैं, तो यहाँ तक हमने कर लिया कोई 100 किलोमीटर कवर, हमें करेक्ट पता नहीं कितना किया है कितना नहीं, लेकिन लोंडो को बोला था कि एक साथ चलना सारे भाई, कुछ भी हो सकता है, लंबी राइड पे जा रहे हैं इतनी लंबी ट्रिप है तो सारे एक साथ चलो ठीक है, लेकिन ये सुनते नहीं है यार, एक आगे जा रहा है दूसरा पीछे रह रहा है, कोई आता पता नहीं है। तो कैसा भी हम इंटर कर रहे हैं काजीकुंड टनल के अंदर, जो है भाई 8.5 किलोमीटर शायद आ रही भाई, और सुलेमान भाई पीछे रह गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, उनको मैंने बोला था 50 की स्पीड मेंटेन करके चलना, तो आते होंगे वो भी पीछे। तो भाई यहाँ पे रुके हम खाना खाने के लिए भाई, शर्मा पंजाबी ढाबा, जगह का नाम पता नहीं है, काजीकुंड जगह नाम क्या है, जगह का नाम सुंदरबनी पूछते हैं क्या क्या है इनके पास खाने के लिए, और भैया क्या हाल है, खाने के लिए क्या क्या है, परांठा ही है, चावल वगैरह कुछ क्या खाना आ रहे भैया, परांठा और चावल, रेट मेन्यू गण के पास भैया, रेट क्या है, रेट। सो भाई यहाँ पे होगा सीन, अपनी हार्ट बीट का हो गया भाई टायर पंचर, इसका साथ में दुकान है इधर पंचर वाली, तो पंचर लगवा ही लेते हैं भाई। यहाँ पे ये दुकान गाइस, इधर चेक करवा लेते हैं भैया के पास, टायर पंचर है, आया नहीं इधर, है नहीं इधर, पंचर तो लग जाएगा पर बंदा नहीं है, शिको पिछे पर कहे मेरे बाइक का टायर पंचर हो गया, इनको ब्लॉग बनाने की पड़ी है, देख रहे हो देख रहे हैं कील कहाँ पे लगा इनको भाई, टायर ब्लॉग नहीं बनाना, कैसी बातें कर रहे हो, लोगों को पता चल नहीं रहा, पंचर लगाओ ब्लॉग बना रहे हैं, रास्ते को ठीक करो, रास्ते को ठीक करो भाई, अंकुश भाई ने जाना होता, इनको पता नहीं लगता यार होने को, ये गवर्नमेंट चोर है यार, इनको पता करना चाहिए कि अंकुश मोटो ब्लॉग आ रहा है इधर, है ना, मोटो ब्लॉग आ रहा है, 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले, मारो नहीं ठीक करके राजी हैं, शर्म धर्मी नहीं है, बेच खाई है इन्होंने शर्म धर्म, घर पे अपने बंगले बनाए हैं, कोठियां बनाई है, हमारे रोड नहीं ठीक कर रहे हैं, भैया बोल रहे भाई टायर उसको जो बनने वाला ना उसके ऊपर जो लगा था चूड़िया बड़ी ज्यादा उसको दूसरे दिन ही जम्मू पहुंच जाते हैं। तो भाई इस रास्ते में गैस सीन फंस गया हम यहाँ पे भाई, कितने की भैया, 50 50 ज़्यादा यार, कम कर दो थोड़ी, और भी है 50 पॉइंट पंचर और भी है, नहीं 50 ज़्यादा है, क्यों करनी है कम नाइट्रोजन।